जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आतंकी हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चुनाव से पहले आतंकी जम्मू कश्मीर में मौजूद ओवरग्राउंड वर्कर को एक्टिव कर रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स चुनाव में उम्मीदवारों और मतदान कर्मचारियों पर हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के साथ मिलकर यह पूरी की पूरी साजिश रची है। पाकिस्तान में हुई आतंकवादियों की बैठक का एक वीडियो भी सामने आया है। भारत सरकार समीक्षा के बाद अब चुनाव लड़ रहे जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सुरक्षा देगी। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं उन्हें एक्टिव किया जा रहा है और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर चुनाव के दौरान हमले कर सकते हैं। ओपी तिवारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, इस खबर के बारे में क्या अपडेट? पंकज, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं ये लगभग दो दिन पहले ही ये आतंकवादियों की एक बड़ी बैठक हुई थी पैक ऑफ फाइट कश्मीर में, और इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। और इस फैसले में स्पष्ट तौर पर था कि जम्मू कश्मीर में मौजूद जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, क्योंकि भारतीय फौजें काफी चौकस हैं आतंकवादियों को लेकर, लिहाजा ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए जो चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं या फिर जो मतदान में लगे हुए कर्मचारी हैं उन पर आतंकवादी हमले कराए जाएं और जो हथियार तथा विस्फोटक है उन्हें इधर से उधर पहुंचाने का काम भी इन्हीं OGW के जरिए कराया जाए। फिलहाल आतंकवादियों की इस इरादे की भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग गई है, लिहाजा जो चुनावी उम्मीदवार हैं उनकी सुरक्षा समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा समीक्षा के बाद उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। पंकज, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। ओपी तिवारी।